प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यालय की लीज रद्द किए जाने के बाद प्रशासन द्वारा सील कर दिए गए समाजवादी पार्टी के कार्यालय से आजम खान द्वारा रखे गए कार्यालय के नाम दारुल अवाम के बोर्ड को उतारकर राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज का बोर्ड लगा दिया गया है। इस भवन में रामपुर जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय था। आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल को 12 नवंबर 2023 को जिला प्रशासन ने सील करने की कार्रवाई की थी। इस भवन के एक भाग में आजम खान का जौहर ट्रस्ट द्वारा रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित होता था और एक भाग में आजम खान का समाजवादी पार्टी कार्यालय दारुल अवाम संचालित था। तब उसे भी जिला प्रशासन ने सील कर दिया था। जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक ही इमारत में दोनों ही प्रॉपर्टी को कब्जा लिया और विद्यालय निरीक्षक को सौंप दिया गया था। समाजवादी पार्टी सरकार में आजम खान ने मंत्री रहते इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम 100 रुपये प्रतिवर्ष की दर से अलॉट करा लिया था। अभी इस इमारत में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल था और उससे सटे हुए भवन में आजम खान का कार्यालय दारुल अवाम था। प्रशासन ने इन दोनों ही इमारत को 12 नवंबर 2023 को सील कर दिया था। विद्यालय निरीक्षक मुन्ने अली ने बताया कि इस वक्त उनका चार्ज हरिनाथ जी के पास है। हरिनाथ जी ने बताया कि जो भवन को सील किया गया था उसमें खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज का बोर्ड लगाकर संचालित किया गया था। अब स्कूल में क्लासेस शुरू होंगे तो इस वजह से आजम खान के दफ्तर का नाम का बोर्ड हटाया गया है और वहां पर खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज का बोर्ड लगाया गया है। अधिकारी भले ही कुछ भी कहें लेकिन चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन पर रामपुर के सपा कार्यकर्ताओं और खासकर आजम खान के समर्थकों ने सपा में बंद पड़े दफ्तर दारुल अवाम के आगे सड़क पर केक काटा था और 1 जुलाई अखिलेश यादव के जन्मदिन पर यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि अब जबकि लोकसभा में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा बन चुका है और खुद रामपुर से भी समाजवादी पार्टी का सांसद जीता है, ऐसे में अखिलेश यादव का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और वह कुछ तो ऐसा करें कि बंद पड़ा रामपुर समाजवादी पार्टी का कार्यालय पुनः खुल सके। लेकिन इसका हुआ उल्टा और आनन फानन में प्रशासन ने कार्रवाई कर दारुल अवाम का बोर्ड निकालकर फेंका और उसकी जगह राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज का बोर्ड लगा दिया है।